नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है MPPWD विभाग भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुन्नी से, क्योंकि दोस्तों फाइनली मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं पास प्रत्येक कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, बिल्कुल सीधी भर्ती के आधार पर आप सभी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और दोस्तों आप सभी बिल्कुल फ्री में ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई लोक निर्माण विभाग की न्यू एवं बम्पर वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं एवं इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आप सभी के लिए mppwd.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर लेना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD विभाग के अंतर्गत जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही आप सभी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप सभी के लिए विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें यह भर्ती आप सभी के लिए जबलपुर, सागर, रीवा और भोपाल जैसे विभिन्न जिलों के अंतर्गत देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों आप सभी जिस भी जिले के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं आप सभी उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहां पर जबलपुर वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं तो सिंपली आप सभी के लिए उस विकल्प पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सभी यहां पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर सिंपली आप सभी के लिए इस PDF को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सभी इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने खुलकर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों हम इसकी एक एक करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम आप सभी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की जानकारी प्राप्त कर सकते होंगे, जो कि दोस्तों आपके लिए बता दें कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD जबलपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत इस न्यू एवं बम्पर वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें इसी तरह आप सभी सागर, जबलपुर, भोपाल और यहाँ पर रीवा के विभिन्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रत्येक पदों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बता दें इन भर्तियों के अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू यानी कि बिल्कुल ही सीधी भर्ती के आधार पर होने वाला है। आप सभी की कोई भी लिखित परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, केवल इंटरव्यू के माध्यम से ही आप सभी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बता दें 10/6/2024 को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया गया है और आप सभी यहां पर सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि आप सभी के लिए 28 जून 2024 निर्धारित की गई है, जिसकी जानकारी आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते होंगे। तो दोस्तों आप सभी के लिए बता दें जबलपुर जिले के अंतर्गत आप सभी के लिए स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि यह पद आप सभी के लिए तृतीय श्रेणी के अंतर्गत निकाले गए हैं, जिसमें आप सभी के लिए स्टेनोटाइपिस्ट का एक पद देखने के लिए मिल जाएगा और सहायक ग्रेड 3 के आप सभी के लिए 5 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें यह भर्ती मुख्य रूप से दिव्यांगजनों के रिक्त पदों को पूर्ण करने के लिए निकाली गई है, तो सभी विकलांग उम्मीदवार यहां पर सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी की विभिन्न एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। जी हां दोस्तों, यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें यदि आपने कक्षा 12वीं पास की हुई है और स्टेनोटाइपिस्ट का आप सभी के पास डिप्लोमा है या फिर आप सभी के पास CPCT है तो आप सभी स्टेनोटाइपिस्ट के पदों के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए पर मंथ 19,500 से लेकर 62,000 रुपये का वेतन मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने कक्षा 12वीं को पास कर रखा है या फिर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है और किसी भी विश्वविद्यालय से आप सभी के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है या फिर CPCT है तो आप सभी सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए भी सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत भी आप सभी के लिए पर मंथ 19,500 से लेकर 62,000 का वेतन मिलने वाला है। और दोस्तों इसके इंटरव्यू की डेट भी आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे, 5 जुलाई 2024 को आप सभी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा।
तो दोस्तों यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बता दें, इसकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ही ऑफलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के प्रत्येक उम्मीदवार सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती का अप्लाई करने के लिए आप सभी को मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो दोस्तों यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप सभी के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को आधिकारिक वेबसाइट या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के पश्चात आप सभी के लिए इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है और सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के पश्चात सिंपली आप सभी के लिए इस फॉर्म को लोक निर्माण विभाग जबलपुर परिक्षेत्र पिन कोड पर इस पते पर भेज देना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, यह वैकेंसी विभिन्न जिलों में आयोजित की गई है, तो इसी प्रकार से आप सभी प्रत्येक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण पदों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार से ऑफलाइन माध्यम के जरिए आप सभी इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इसके अलावा यदि आप सभी और कोई पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी यहाँ से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और प्रत्येक पदों पर अप्लाई करने के लिए आप सभी पते पर आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म को डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही आवेदन कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आप सभी के लिए इन भर्तियों से संबंधित और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो आप सभी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली प्रत्येक न्यू भर्तियों की जानकारी ऐसे ही सबसे पहले प्राप्त हो सके।